संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सीटू कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। ये धरना महंगाई को कम करने व कृषि कानूनों के खिलाफ दिया गया। इस मौके पर सीटू के राष्ट्रीय महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पूरे देश में सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत हमीरपुर व हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये धरना प्रदर्शन किया गया। सीटू के राष्ट्रीय महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान और मजदूरों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि के 3 कानून और मजदूरों के खिलाफ बनाए गए 4 कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार या कंपनी खाद्य पदार्थों की स्टोरेज नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ने जमाखोरी को कानून का अमली जामा पहना दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि को केंद्र सरकार ठेके पर चलाने के कानून बना रही है, जो कि सरासर गलत है। मैं संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन का जो संयुक्त मोर्चा है पूरे देश में, उसके आह्वान पर आज गांधी चौक पर भी और हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन का संयुक्त मोर्चा, उसके आह्वान पर आज पूरे देश में सीएचयू के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो है, मुख्य मांगे इसमें ये है कि जो कृषि के 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं और मजदूरों के संबंध में 4 काले कानून बनाए हैं, जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी से 12 घंटे का ड्यूटी कर दिया, हड़ताल का अधिकार, धरने का अधिकार, ये सारे खत्म कर दिए और दूसरे भी कई उसमें परिबदल किए हैं, उसके खिलाफ ये सारा आज पूरा किसान और मजदूर इकट्ठा होकर इस धरना प्रदर्शन कर रहा है। जो खेती के लेकर कानून है, इसमें एक कानून था आवश्यक वस्तु अधिनियम कि जरूरत से ज्यादा जो खाने पीने की चीजें हैं, चीनी है, चावल है, आटा है, तेल है, दालें हैं, प्याज है, इनको कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी जरूरत से ज्यादा नहीं रख सकती थी पहले। अब सरकार ने तय कर दिया कि जितना मर्जी जमा करो। जमाखोरी का कानून पहले अपराध था, आज के दिन में सरकार ने उसको अधिकार बना दिया है कि जितना मर्जी जमा करें। हमारा मानना है कि इससे बाजार में बनावटी किल्लत पैदा कर दी जाएगी चीजों की और उससे कीमतें बढ़ेंगी। दूसरा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो तय करती है किसानों को मिलता नहीं। हमीरपुर में, मंडी में, कांगड़ा में मक्की पैदा होती है ज्यादा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्की का है 1850 रुपए और किसानों का मक्की बिक रहा है 800 रुपए में, 900 रुपए में, 1000 रुपए में, उसको कीमत पूरी मिलती नहीं। हम चाहते हैं कि उसका लीगल बैकअप हो, कानूनी प्रावधान हो कि उससे कम कोई खरीदेगा नहीं। तीसरा है, सरकार ने तय कर दिया कि खेती जो ठेके पर होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां ठेके लेंगी और उससे हम समझते हैं किसानों का लूट तो होगा ही होगा, हमारे देश में खाद्यान्न की कमी पैदा हो जाएगी और उससे पूरा देश जो है वो संकट में खड़ा हो जाएगा। जो देश आज सरप्लस पैदा करता है वो भुखमरी के कगार पर खड़ा हो जाएगा। इसलिए आज हम तमाम जो मजदूर और किसान है मिलकर सरकार की नीति के खिलाफ, किसान और मजदूरों के खिलाफ जो नीति है उसके खिलाफ, और अभी आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ी है। 2013 में पेट्रोल डीजल की कीमत थी $120 की एक बैरल, आज हो गई $53 की एक बैरल, आधा रह गया, परंतु पेट्रोल डीजल की कीमत दुगनी होगी। और ये इसलिए दुगनी होगी क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, दूसरे टैक्स लगा रखे हैं, राज्य सरकार ने वैट बढ़ा दिया, वैल्यू एडेड टैक्स, उसकी वजह से ये सारी कीमतें बढ़ रही हैं, जनता लूट रही है, महंगाई बढ़ रही है और सरकार जो अपनी तिजोरियां भर रही है, और तिजोरियां भरने के बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए जो है माफ कर दिए, उनका कर्जा माफ कर दिया, उनके टैक्स माफ कर दिए। ये सारा खेल जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को मालामाल करने का है और देश को कंगाल बनाने का है। हम सारे लोग जो इसका विरोध करते हैं और आज उसी सिलसिले में आज ये धरना और प्रदर्शन यहाँ पर हम लोगों ने सीएचयू की तरफ से गांधी चौक पर रखा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में इसी तरह से किसान और मजदूर मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहा है।